भिलाई शहर की यातायात व्यवस्था पार्किंग की अव्यवस्था की वजह से चरमराई हुई है और इसका मुख्य कारण शहर में कई स्थानों पर बना अवैध पार्किंग है। साथ ही कई स्थानों की पार्किंग के स्थान को व्यवसायियों द्वारा कब्जा कर अपना व्यवसाय करने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। इस वक्त पूरे भिलाई शहर की यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आती है और यह सब कोई एक दिन में नहीं हुआ है। आज शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था के जिम्मेदार के तौर पर शहर भर में बने जगह जगह अवैध पार्किंग को माना जा रहा है। निगम प्रशासन हो या यातायात विभाग या फिर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन, ये तीनों ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिन बाजारों में सुव्यवस्थित पार्किंग की अत्यधिक आवश्यकता है, वहाँ की पार्किंग व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। और शहर में कुछ इलाके जैसे चंद्रा मोरिया अंडर ब्रिज के पास चौहान स्टेट की वजह से इस परिसर में आने वाले आगंतुक अंडर ब्रिज के रोड पर ही अपने वाहनों को पार्क कर देते हैं और यह पार्किंग चौहान स्टेट में खड़े सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही करवाई जाती है, जिसकी वजह से विशेष तौर पर इस रोड पर जाम लगा रहता है। क्योंकि इस रोड पर एक तरफ चौहान स्टेट के द्वारा अवैध पार्किंग की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ मोरिया चंद्रा टॉकीज के बाहर अवैध रूप से ठेले खोमचे वाले अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और इन अवैध ठेले खोमचे वालों के पास आने वाले भी बेतरतीब तरीके से इसी रोड पर वाहन खड़ी कर देते हैं। यह सारी चीज़ें निगम प्रशासन, यातायात विभाग और जिला पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हो रही है, परंतु इस पर नकेल कसना ना तो ये ज़रूरी समझते हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारी। दोस्तों, आपको पता है कि भिलाई शहर में अभी फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और इस फ्लाईओवर के निर्माण के वजह से और सुपेला चौक पर सुपेला का जो फाटक है, जो रेलवे फाटक है, वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से मौर्या चंद्रा अंडर ब्रिज पर लोड ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ट्रैफिक का लोड बढ़ने के बाद जो इस बगल में हमारे जो चौहान स्टेट है, इनके पास पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद भी ये व्यवस्था को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो बाहर में ही गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिसकी वजह से इस रोड की अस्मिता ख़त्म हो चुकी है और इस रोड में हमेशा जाम लगा रहता है। आप हमारे पीछे देख भी सक रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये सारी गाड़ियाँ जो हैं बाहर में खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों की वजह से रोड की चौड़ाई बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बने रहती है, लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ता है। लेकिन जनता जाए भी तो जाए कहाँ, यातायात विभाग भी इससे अनसुना है और नगर निगम भिलाई की अगर बात करें तो उसने तो अपने कानों में रुई डाल रखी है। उनको आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। न जाने कब इस समस्या को लेकर के यातायात विभाग की या नगर पालिका निगम भिलाई की आंखें खुलेंगी और यहाँ की आम जनता को इस समस्या से निजात मिल पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से सहयोगी प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूँ संतोष शर्मा।